है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे जो पिछली वीडियोस थी हमारी, उसमें हमने एरेज एंड हैशिंग का पढ़ लिया था, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टू पॉइंट अप्रोच के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, और हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारे क्या है। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, अ फ्रेज इज ए पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इंटू लोअर केस लेटर, ओके लोअर केस लेटर, एंड रिमूविंग ऑल नॉन एल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लेटर्स एंड नंबर्स, ओके। जो एल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास आते हैं लेटर्स और नंबर्स। गिवन ए स्ट्रिंग एस रिटन ट्रू इफ इट इज ए पैलिंड्रोम अदरवाइज फॉल्स रिटन, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को अगर हम सभी जो जितने भी इसमें कैरेक्टर्स है उनको लोअर केस में सबसे पहले कन्वर्ट कर दें, ठीक है, एंड देन उसमें जितने भी हमारे पास नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, मींस ऐसे जो है लाइक ये कॉमा हो गया, यहाँ पर हो गया कॉमा, ठीक है, और हमारे पास ये कोलन हो गया, जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है अगर हम उनको रिमूव कर दें उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करें यहाँ से रीड करें और यहाँ से रीड करें, तो हमारा सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा हमारे पास ए, ओके, तो यहाँ पर भी क्या हमारे पास ए, फिर आ रहा है एम, यहाँ पर भी है एम, एंड सो ऑन, ओके। सो हमारे पास ये पूरा हम इसको रीड करेंगे तो एग्जैक्ट सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स मैच होंगे, तो इसलिए हमारे इसका आउटपुट यहाँ पर आएगा ट्रू। अगर इस वाली स्ट्रिंग की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आर, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा हमारे पास आर, यहाँ पर आ रहा है ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर आ रहा है सी, यहाँ पर भी सी, देन यहाँ पर आ रहा है ई और यहाँ पर आ रहा है ए, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर रिटर्न हो रहा हमारा फॉल्स। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम, अब देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पहला तरीका तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट, यहाँ पर एक फंक्शन आता है पाइथन में इज अल्फा नम के नाम से, ओके, हम अगर उसको यूज करें तो वो हमको सिंपली क्या करेगा सॉरी वो फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो भी हमारे पास जो कैरेक्टर्स आएंगे उन कैरेक्टर्स में चेक करेगा कि अगर वो अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो ही वह उसको नई स्ट्रिंग के अंदर ऐड करेगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे जो कैरेक्टर आएगा उनको हम लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, मींस जो डॉट लोअर जो फंक्शन है उसके थ्रू, देन हम उसको सिंपली यहाँ पर मैच करा लेंगे रिवर्स करके, ओके। तो पहला तरीका ये होता है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कोड, देन समझते हैं कोड किस तरह से यहाँ पे रन होता है, ओके। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर हम लेते हैं नई स्ट्रिंग लेते हैं, ओके, क्योंकि हम इसके अंदर सिंपली यहाँ पर जितने भी हमारे पास नए नए जो कैरेक्टर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे, ओके, न्यू स्ट्रिंग हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो फोर सी इन एस, ओके, एक एक यहाँ पर आइटरेशन परफॉर्म होगा, हर एक कैरेक्टर सी में आएगा, देन इफ सी डॉट इज एल नम, ये हमारे पास फंक्शन होता है, और इसके थ्रू हम यही चेक करते हैं कि जो कैरेक्टर है क्या हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक है या फिर नहीं है। अगर अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा और हम यहाँ पर बॉडी पार्ट में इसके जाते हैं, देन न्यू प्लस इक्वल्स टू एंड सी डॉट लोअर, ओके। ये क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर आएगा अगर वह कैपिटल में हुआ, ओके, तो वो क्या करेगा, इसको स्मॉल में कर देगा लोअर फंक्शन के हेल्प से, एंड देन उसको सिंपली यहाँ पर एड कर देगा। देन हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है न्यू इक्वल्स टू न्यू, इसका हम रिवर्स कर दें यहाँ पर लाइक दिस, इसको रन करते हैं सबसे पहले, तो हमारा यहाँ रन हो गया, सबमिट करते हैं इसको, ओके, सो हमारे यहाँ पर सबमिट भी हो गया, फाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेते हैं ये वाली, ओके, इसको हम यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, ओके। सबसे पहले हमने ये स्ट्रिंग ली, फॉर लूप के थ्रू हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक एक आइट्रेशन परफॉर्म किया, सबसे पहले हमारे पास आएगा ए, ओके, हमने ए को लिया, देन ए को हम क्या चेक करेंगे कि यह अल्फा, मतलब यह हमारा नंबर और कैरेक्टर में से है क्या, सो यह हमारे पास कैरेक्टर है, मीन्स ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। देन हम जाते हैं यहाँ पर इफ बॉडी पार्ट में, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिंपली एड कर रहे हैं, किसके अंदर एड कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी उसके अंदर, और ऐड किस तरह से कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ए को लोअर केस में कन्वर्ट किया, एंड देन सिंपली ऐड कर दिया न्यू वाले में,
यहाँ पर कर देता हूँ लाइक, हमारे पास जो न्यू स्ट्रिंग थी वो यहाँ पर थी, ठीक है, और इसमें यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो जो ए है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल लेटर में लाइक दिस। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट कैरेक्टर, वो आता है स्पेस, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। अब स्पेस आएगा जैसे ही, तो यहाँ पर क्या चेक करेगा, इफ जो स्पेस है क्या हुआ है, अल्फा मीन्स क्या हुआ है, अल्फाबेट है या फिर नंबर्स है, तो ये दोनों ही नहीं है, मीन्स कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर फॉल्स। देन वापस से फॉर लूप आइटरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ से लेगा एम को, ये चेक करेगा क्या जो एम है वह अल्फा या फिर नंबर्स दोनों में से है क्या। तो यहाँ पर जो एम है वो हमारे पास क्या है, अल्फा, मीन्स ये कंडीशन ट्रू। और यहाँ पर जो न्यू है इसके अंदर वापस से तो उसको लोअर में कन्वर्ट करके वापस से हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा एम, ठीक है। इसी तरह फिर उसके आगे का आ जाएगा ए, देन एन। अब वापस इस यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कोमा, कोमा इन द सेंस यहाँ पर सी में आता है कोमा, फिर चेक होगा कि जो कोमा है क्या वह अल्फा या फिर नंबर से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता, तो कोमा ऑब्वियसली नहीं करता यहाँ पर बिलोंग, दैट्स वाई यह कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स। ओके, देन मूव करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्पेस है वो भी यहाँ पर इग्नोर हो जाएगा, देन आएगा ए। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर पूरी एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं होगा, कोई भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ओके, देन हम सिंपली जब ये फॉर लूप हमारा खत्म होगा, मीन्स सारे जो कैरेक्टर्स है यहाँ तक आइटरेट पूरा परफॉर्म हो जाएंगे, देन हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग आई है वो, अगर हम इस स्ट्रिंग को न्यू यहाँ पर रिवर्स करते हैं, जो ये स्ट्रिंग है अगर हम इसको इधर से रीड करें, मीन्स ये रिवर्स हो गया एक तरह से। ओके, तो अगर इसको रिवर्स करके हम जो पहले वाली जो थी यहाँ पर जो बनी थी पहले वाली, उससे अगर मैच कराए, तो क्या वह पूरी मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही, अगर मैच हो रही होगी तो यहाँ पर हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमारा इस स्ट्रिंग के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पूरा टोटल यहाँ पर मैच होगा, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया हमारा इस तरह से। ओके, अब हम इसको करते हैं कमेंट, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं टू पॉइंटर अप्रोच, तो यहाँ पर टू पॉइंटर हम लगा के चेक करते हैं। अब टू पॉइंटर किस तरह से लगाते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से चलाएंगे, ओके, और एक राइट पॉइंटर यहाँ से चलाएंगे लाइक दिस। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर चलाएंगे, और हम जो ये यहाँ पर जो इज अल्फा फंक्शन है ये हम खुद से बनाएंगे। ओके, खुद से बनाएंगे, एंड देन जो भी हमारा कैरेक्टर्स होगा उसको हम पास करेंगे उस फंक्शन के अंदर, देन चेक करेंगे क्या वह इज अल्फा नंबर जो है उस कैटेगरी में आता है या फिर नहीं आता है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ सेकंड सॉल्यूशन। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिए दो पॉइंटर्स, एक स्टार्ट होगा हमारा जीरो से एंड दूसरा जो है वो इसकी लेंथ ऑफ पे माइनस वन यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, वाहिल एल जब तक छोटा आर से तब तक ही चलेगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है वाहिल जो हमारे पास एल है लाइक दिस एंड नोट। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाना हमको। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ एल, इसका नाम दे देते हैं अपन ए एल पी नम लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे सेल्फ हमारा बाय डिफॉल्ट आता है, फाइन, ये हो गया। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न हम क्या करेंगे, बुलियन वैल्यू करेंगे लाइक ट्रू और फॉल्स। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर हमको पता है कि जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसमें क्या आता है, हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक में आता है कि जो भी हमारे पास वर्ड होगा वो हमारा ए टू कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में होगा, या फिर वो हमारा स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के बीच में होगा, या फिर वह हमारा जीरो टू नाइन। अगर इन तीनों कैटेगरी में से किसी को भी यहाँ पर किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मीन्स वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक में काउंट हो रहा है, अदरवाइज अगर तीनों ही हमारे रॉन्ग है तो हमारा यहाँ पर फॉल्स होगा। ओके, तो हम इस तरह से कंडीशन बनाते हैं। अब हमको पता आस्की, हमारे पास इस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे आस्की वैल्यूज का। आस्की वैल्यूज क्या करती है कि जो भी कैरेक्टर्स होता है उसको हमको आस्की वैल्यू देती है, जो हमारे यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पर हम उनका यूज करते हैं, और जो पाइथन होती है जिसमें हम आस्की वैल्यू यूज करते हैं ऑर्डर फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल यहाँ पर लेंगे ए। ओके, एंड देन हम चेक करेंगे जो भी हमारा कैरेक्टर आएगा, हम यहाँ पे लेते हैं सी, हमने एक कैरेक्टर लिया सी। ओके,
वो हमें अभी वाइल लूप जो है वहां पर लेंगे, देन हम चेक करेंगे क्या वह इस कैपिटल जेड ओके इसके बीच में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। फाइन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड, हम यहाँ पर और लगा के करते हैं यहाँ पर लाइक दिस ऑर्डर, मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ ओके। यहाँ से हमने किया कॉपी इसको, देन जस्ट पेस्ट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्मॉल ए ओके, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल जेड, एंड देन वापस से इसको हम यहाँ पर और लगाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, एंड देन हमारे नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो होगी 0 to 9 ओके, 0 to 9 ये हमारे पास हो गए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम करेंगे कि अगर जो हमारा कैरेक्टर होगा ओके, कोई भी कैरेक्टर होगा, वह है हमारा जो सेल्फ मीन्स हमने जो फंक्शन बनाया वो, अगर वह उससे बिलोंग नहीं कर रहा है ओके, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ELP नाम हमने इसको यहाँ पे कॉल किया, एंड देन SOFL। अब SOFL मतलब ये हमारा जो पॉइंटर है वहां पर जो कैरेक्टर होगा ना उसको यहाँ पर पास करेगा फंक्शन के अंदर। मैं आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखाता हूँ ओके। तो व्हाइल हमने वापस से चलाया व्हाइल, एंड एल लाइक दिस आर एंड नॉट सेल्फ LP नम लाइक दिस, एंड ये हमारा हो जाएगा आर पॉइंटर के लिए चेक। आर को कर देंगे हम -1 ओके, एंड देन हम चेक करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है उसको अगर लोअर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम मैच कराए अगर आर से, और आर की जो लोअर है उससे ओके, और फिर हमारा वह इसके इक्वल नहीं आता है, तो हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स को ओके, और हम सिंपली यहाँ पर जो हमारे पॉइंटर्स है उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। सो इसको करेंगे +1 और राइट वाला जो पॉइंटर है उसको करेंगे -1 ओके, ये हो गया हमारा। देन हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न करते हैं ट्रू, अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे एक अगर इस वाले स्टेटमेंट में नहीं जाएगा तो हमारे पास होगा ट्रू। हम इसको सबसे पहले रन करता हूँ मैं इसको, एंड देन ओके यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रही है, एरर आ रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्ड ओके। सो ELP NUM फाइन, एंड यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं लाइक में ओके, सो ये हमारा बाहर आएगा ठीक है, आई थिंक अब हो जाना चाहिए ओके। सो हमारा ये हो गया, एंड देन इसको हम करते हैं यहाँ पे सबमिट ओके। सो हमारे यहाँ पर सबमिट भी हो गया ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पर कोड चल रहा है। फाइन, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा पास पास कर देता हूँ लाइक दिस ओके। या अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दो पॉइंटर लिया, पहला पॉइंटर है एल, दूसरा पॉइंटर आर। तो एल जो है वो स्टार्ट हो रहा हमारा यहाँ से, आर जो है वो स्टार्ट हो रहा हमारा यहाँ से ठीक है। ये हो गया हमारे पास एल, ये हो गया आर। देन हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर जो लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक कि जो हमारा एल है और जो आर है वो दोनों आपस में क्रॉस ना करते। मीन्स एल लाइक एल अगर यहाँ पर है और आर यहाँ पर है तब तक ये कंडीशन चलेगा, लेकिन जैसे ये क्रॉस हो जाएगा अगर आर हमारा लेफ्ट साइड आ जाए और जो लेफ्ट वाला वो राइट साइड आ जाए तो हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो लूप ये हमारा इस तरह से चला रहे हैं। देन हमारा यहाँ पे हम एक और लूप चला रहे हैं, ये लूप सिंपली क्या कर रहा है हमारा कि अगर हमारा जो कैरेक्टर जो भी है वो अगर यहाँ पर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है तो हमको उसको क्या करना है, स्किप करना, मीन्स उस पोजिशन से आगे बढ़ना है। जैसे हमारा यहाँ पर स्पेस हो गया, कॉमा हो गया ओके, तो इनको काउंट नहीं करना हमको, इनसे हमको सिंपली जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है इसको यहाँ से इंक्रीमेंट करते रहना। इसी तरह हम राइट पॉइंटर का भी करेंगे कि जब भी हमारे यहाँ पे स्पेस आ गया, कोलन आ गया, तो हम क्या करेंगे सिंपली राइट को डिक्रीमेंट करते जाएंगे ओके। तो हमारे दो लूप इस तरह से काम कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर जो हमारा एल है वो पॉइंट कर रहा है ए को, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए ओके, एंड देन जब ए जो है वो हमारा जाएगा यहाँ पर इसके अंदर ए के अंदर ठीक है, यहाँ पे आ गया ए। अब क्या चेक करेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे चेक करेगा क्या जो ए है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या ए टू
ऐसे और क्या हुआ है लेस देन और इक्वल टू के जेड के, तो यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स हम क्या करेंगे, यह हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ओके, तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स क्यों हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आ रहा है नोट ओके। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ अगर फॉल्स हो गई तो ये ऑब्वियसली हमारी ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो एंड जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है लेफ्ट और राइट वाली तभी ये हमारी ट्रू होती है ओके। देन इसी तरह हम राइट का भी करेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे यहाँ पर आ रहा है ए ओके, यहाँ पर आ रहा है ए, ए को हम पास करेंगे यहाँ पर एंड देन ए हमारा आएगा यहाँ पर इसके अंदर और चेक करेगा क्या यह इसके ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल है क्या, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी ठीक है। एंड देन हम लास्ट में चेक करेंगे कि जो हमारा एस ऑफ एल है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको एस ऑफ एल पर हमारा क्या है ए ओके, उसका लोअर, उसको हमने क्या किया लोअर में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पर एस ऑफ एल को जब हमने लोअर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आर डॉट लोअर, जो हमारे पास राइट वाले जो पॉइंटर है वहां पर जो कैरेक्टर है लाइक दिस ए ओके। अगर ये नॉट इक्वल होता है तो हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा फॉल्स ओके, यहाँ पर क्या होगा फॉल्स। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये रिटर्न करता ट्रू, और जैसे ही ट्रू रिटर्न करता उसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों मैच नहीं किए मैच, ये दोनों नहीं कर रहे, मीन्स हमारा फॉल्स यहाँ पर रिटर्न हो जाता जो प्रोग्राम में यहाँ पर एग्जिट हो जाता ओके। देन हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको एक मूव इधर कराएंगे, राइट पॉइंटर है उसको एक मूव इधर यहाँ पर कराएंगे ओके। इस तरह से हमारी ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पर चलती रहेगी एंड देन लास्ट में इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमारी जो ये कंडीशन है यहाँ पर इफ वाली जो कंडीशन है एक बार भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, ये हमारा फॉल्स ही रिटर्न करेगा ओके, कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन इस वाले स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर एक बार रिटर्न करेगा ट्रू, देखो जहाँ पर जैसे ही हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर होता है और जो राइट पॉइंटर है वो हमारा होता है यहाँ पर ठीक है, ये हो गया लेफ्ट पॉइंटर ये हो गया राइट पॉइंटर, तो जो हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ एल है उसमें आ गया ई ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आर डॉट लोअर तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो हमारा ई नॉट इक्वल्स टू ए मीन्स कंडीशन क्या हो गई ट्रू, और यह हमारा एक बार ट्रू होने पर रिटर्न कर देगा फॉल्स ओके, और इसी तरह हमारे यहाँ पर आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो हमारा ये होता है सेकेंड मेथड इसको यहाँ पर सॉल्व करने का ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।